ऐसे करना टेक जीजू का भी मिल जाएंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज मी जिया स्नाली। होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी मैं जा रही हूँ मोराबादी चिनर्स पार्क, और देखती हूँ कहाँ कहाँ मैं जाऊँगी। अगर ज़्यादा क्राउड नहीं रहा तो मैं घूमूंगी ऑक्सीजन पार्क भी, बट अभी तो फिलहाल मैं चिनर पार्क जा रही हूँ। और जीजू दी लोग आए हुए हैं, उन लोग भी साथ में जा रहे हैं, और मेरी बहन लोग भी जा रही है साथ में। सो चलो चलते हैं। छोटी नहीं आ रही इसमें। मैं तो दब गई।
और ये शाम होने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। पूरे पार्क पे लाइट जलता है। अभी यहाँ पे न्यू ये खुल गया है, बहुत सारा चीज बच्चों लोग के लिए आ गया है। और सामने तो भाई साहब क्या लगता है। निकल रही हूँ, अब मैं जाऊंगी मोमो खाने। अभी हम लोग रिलायंस मार्ट आए हैं और मैं अभी गई थी मोमोज खाने, वहाँ मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ था और मैं फ़ोन निकालती या वीडियो बनाती। सो अभी मैं यहाँ आई हूँ और अभी मैं जाऊँगी अंदर, देखती हूँ कुछ कुछ लूँगी। और सुनने में तो आया है कि लॉकडाउन होने वाला है, सो मैं कुछ कुछ शॉपिंग कर लूँ ताकि मैं घर पर बैठ के खा सकूँ। तो चलो मिलते हैं अंदर। सो ये गर्ल सेक्शन है। तो गाइज मुझे तो ये मॉल बहुत पसंद है क्योंकि मैं यहीं से शॉपिंग करती हूँ बहुत ज़्यादा, ड्रेसेस वगैरह सारा कुछ मैं यहीं से शॉपिंग करती हूँ। विंटर्स के बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन भी है यहाँ पे, आप लोग आना चाहो तो आ सकते हो। इतना सारा बिस्कुट ले लिया है, हम लोग मौका नहीं छोड़ते हैं। दरिद्र कौन सा लैंग्वेज है भाई, ये कौन सा लैंग्वेज है समझ रहे हो? एंड यहाँ आपको फ्रूट्स मिल्क वगैरह उडर के मान ले, आपको सारा कुछ मिल जाएंगे। हट्टू जी कैसे चले? एंड वेजिटेबल्स वगैरह भी यहाँ पे, फ्रूट्स है। और ये है
बाय वन गेट वन 165 में, और सारा ही बाय वन गेट वन प्लेट्स है, 99 पे भी है। एंड यहाँ ओवर प्राइस पे बहुत अच्छा आप लोगों को घर किचन का सेट्स मिल जाएगा। अभी मैं बिलिंग करवाने आ गई हूँ, ये बिलिंग काउंटर है। सो गाइस, मैं आप लोगों से अब घर जाके डायरेक्ट मिलती हूँ। सो गाइस, मैं घर आ चुकी हूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। वैसे मैं कुछ प्लान करके नहीं गई थी कि मैं ये वीडियो शूट करूँगी एंड ऑल। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग पे।